एवरीवन, और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। इधर आओ बाबू, बाबू इधर आओ, इधर आओ, एक चीज दिखाएं आपको, इधर आओ। और जरा आप लोग इनकी बिंदी देख लीजिए, पिंक कलर की लगाई है। और मैं लगा रही थी बिंदी, तब ये भी लगाई है बिंदी, और कह रही थी मुझे बाल कंघी करना, लेकिन इनके सर में तो बाल ही नहीं है ना। कढ़ाई हाँ कंघी मैं कर रही, आप करोगी? कढ़ाई हाँ मैं तो कर रही। तो फ्रेंड सारा काम वाम हो गया है, खाना पीना भी बन गया है, सब कुछ हो गया है। तो लाडो भी नहा धो के एकदम रेडी हो गई हैं। तो ये देखिए मेरी बिटिया रानी मेरे बालों में कर रही है कंघी, और मम्मी को बहुत ज्यादा प्यार करती है। नहीं बेटा रहने दो, हो गया। और ऐसे ही सारा दिन ही मस्ती करती रहती हैं। और लिया। फिर से हाँ, करोगी? हमारे यहाँ कुछ खरीदारी हुई है, तो ये देखिए आप लोग, थोड़ा सामान आया है। तो फ्रेंड चलिए देखिए हमारे यहाँ क्या सामान आया है। तो हमारे यहाँ आ जाया एक कुकर 5 लीटर का, और बहुत ही अच्छा कुकर है। और हमारे यहाँ वो 2 प्लेट आई हैं, और बड़ी सी 2 प्लेटें आई हैं, उसके बाद में छोटी 6 प्लेटें आई हैं। और कुकर की आवश्यकता बहुत थी, क्योंकि कुकर ख़राब हो गए थे, और छोटा 3 लीटर का कुकर था, तो फैमिली थोड़ी बड़ी है ना, तो उसमें मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो फ्रेंड ये आ गया है 5 लीटर का कुकर, और ये छोटी छोटी कटोरी आई है। तो कैसी लग रही है? मुझे तो इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लगी। और ये देखिए एक आई है चलनी, और इसमें बनेगा फरा, फरा मीन्स करवा चौथ में, इसकी वजह से मैं कुकर में चाय भी बना लूँगी। सब लोग कहते हैं ना, जब नया नया कोई बर्तन आता है तो उसमें चाय बनाओ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो बर्तन आते हैं ना, सब लोग कहते हैं बनाने से उसमें अच्छा और स्वादिष्ट और मीठा भोजन बनता है। तो इसीलिए पहले इसमें कुछ हम बनाएंगे मीठा। हमारे यहाँ पहले जब कोई बर्तन आता है ना, उसमें मीठा ही बनता है। तो इसमें मैं सोच रही हूँ और मीठे में क्या बनाऊँ, तो मैं इसमें चल रही हूँ चाय बनाने। चाय बना के पीऊँगी और सबको पिलाऊंगी। तो आप भी आ जाइए चाय पीने। कुकर का चल रहा है उद्घाटन होने, मेरे यहाँ कुकर आया, क्योंकि कुकर ख़राब था काफ़ी दिनों से, और ये इंडक्शन बेस्ड कुकर है। ये देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा कुकर है, यूनाइटेड का कुकर है, 5 लीटर का। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा लगा, और ये मेरे हस्बैंड जी सारी खरीदारी करके लाए हैं। और जब कोई, अब इधर सारे मतलब त्योहार आ रहे हैं, फेस्टिवल सारे आ रहे हैं, तो अभी से खरीदारी चालू है थोड़ा बहुत। तो जो घर में नॉर्मल चीज़ है जो लाना ही पड़ेगा, तो यही अभी आया है। और देखो दिवाली में क्या आता है, बहुत ज़्यादा बड़ा सामान नहीं आएगा, लेकिन छोटा मोटा तो आएगा ही, क्योंकि सारे लोग अधिकतर कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। तो फ्रेंड चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अब चलते हैं हम चाय बनाने किचन में। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ किचन में। तो फ्रेंड हम आ गए किचन में और बना रहे हैं चाय। और यहाँ पे मैं थोड़े से बर्तन धुल के लाई थी, तो वो मैं सेट कर दे रही हूँ, और मेरी चाय बन गई है। और चाय बन गई, उसके बाद मैं लेके जाऊँगी कमरे में, और लाडो और मैं और सब कुछ देखे, उसके बाद लाडो और मैं बैठ के चाय पियेंगे। तो फ्रेंड आप लोग भी आ जाइए, मेरे कुकर का उद्घाटन हो गया है, और ये देखिए हमारी चाय आ गई, और लाडो को देखिए पूरा जो जीरा है वो एकदम चाय में डूब ली। तो मैं फिर इनको खिला के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नहीं तो इनका ये बालों में क्या लगाई हो अपने? और इनसे अपने क्या लगाई हो अपने बाल सर पे लगाई है हेयर बैंड। बाल तो है नहीं, लेकिन हेयर बैंड लगाने का शौक बहुत है इनको। क्या लगाई हो? वो लगा के बैठी है, खा भी रही है। रात के बज रहे हैं 10:30, और टाइम काफी हो बाल गया। इनके लाडो गायब सो हो गए, गए इनका हैं, सबसे तो मैं मुंडन सोची हो गया, खिलाओ। लेकिन अभी सौ और पत्नी चलो है। फिर मैं आज अपनी वीडियो को एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि 2 दिन से सोच रही थी कर नहीं पा रही थी फ्रेंड। और ये देखिए मैं यहाँ पे पेटीकोट बना रही थी, तो इतना मशीन नहीं हूँ, और ऐसे सिल के मैं 2 दिन से रखी थी इसे, तो मैं सोची आज मैं इसे बना के ही तभी उठूँगी।
कि फ्रेंड सारा काम हो गया, सिर्फ खाना बनाना है। तो उसके बाद पेटीकोट सिलने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी और बनाऊंगी खाना। और वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए मैंने इसे अब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और फ्रेंड यहाँ पे मेरा पेटीकोट बन के कम्प्लीट हो गया, और ये देखिए मेरा पेटीकोट बन गया। मैं दो पेटीकोट की सिलाई की हूँ, तो मैं फुल आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि दिखाती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाता है, इसी वजह से मैं नहीं दिखाई। और अब चल रही हूँ मैं मंदिर में पूजा करने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और शाम के बज रहे हैं 6, इसी वजह से मैं चल रही हूँ। पहले पूजा करूँगी, माता रानी को दीपक जलाऊँगी। इस टाइम सिर्फ दीपक जलाती हूँ, चंदन लगा के आरती कर लेती हूँ। तो शाम की पूजा हमारी यही रहती है फ्रेंड, और माता जी को मैं चंदन लगा दूंगी। और फ्रेंड पूजा पाठ भी हो गई, अब चल रही हूँ मैं किचन में। किचन में चल के मैं बनाऊँगी सिंपल सब्जी और रोटी। और ये देखिए आगे किचन में, और मोबाइल अब लगा दूँगी स्टैंड पे। तो यहाँ मैं कुकर में ही सब्जी बना ले रही हूँ, और मैं बनाऊँगी आलू और गोभी और टमाटर की सब्जी। तो इसी कुकर में मैं आज बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि चाय बना ली थी तो मैं सोची चलो इसी कुकर में आज मैं बना देती हूँ सब्जी। तो कुकर की सब्जी भी अच्छी लगती है, और उसके साथ मैं बनाऊँगी रोटी। और शाम के टाइम ये रोटी सब्जी अच्छा ही लगता है, ज़्यादा हैवी भी नहीं रहता, हल्का भोजन अच्छा रहता है। तो फ्रेंड यहाँ मैं बेसिक मसाले यूज की हूँ, जैसे हल्दी और नमक, और सिर्फ सब्जी मसाला और कुछ नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसे अच्छे से भून के, और मैं पानी डाल दूँगी, 1 ग्लास पानी डालूँगी बस। और उसके बाद मैं लगा दूँगी मैं ढक्कन, सीटी आ जाएगी बस। 1 सीटी आने के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी बस यही। और इसी तरीके से मैं सब्ज़ी बना लूँगी, और मैं आटा भी गूंथ के रख ली हूँ। अब चल रही हूँ रोटी बनाने एक साइड। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मेरी रोटी भी बन रही है, और शाम के टाइम हमारे यहाँ अक्सर रोटी सब्जी बनती है। और मैं बना के रख ली हूँ एक रोटी, और यहाँ पर मैं खाना निकल। तो फ्रेंड खाना पीना भी हो गया। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।